लो गाइस, तो मेरे पास फ़ोन आया है। उस फ़ोन का नाम है ओप्पो A15s। इसका मदरबोर्ड ये आप देख सकते हो, इसकी बैटरी, इसमें प्रॉब्लम है, ये फ़ोन डेड है। और इसका ये चार्जिंग आईसी देख सकते हो, और इसके पीछे यहाँ पे पावर आईसी थी, जो कि वो पावर आईसी ख़राब हो चुकी है। अभी टू बी कनेक्टर यहाँ पे है, और ये बैटरी कनेक्टर है। उसमें जो आईसी लगी है वो है मीडियाटेक की 3657। तो सबसे पहले हम इसका चार्जर डेटा देख लेते हैं। ये रिवर्स आएगा, ओवीपी एसएस होते हुए इस ड्राइवर से इस चार्जिंग आईसी में इनपुट होता है। उसके बाद यहाँ से डीपीएस प्रोड्यूस होगा, जो इस कैप पे आएगा। उसके बाद वी बैड यहाँ से प्रोड्यूस होगा, और इस कैपेसिटर और डायोड से होते हुए हमारे बैटरी कनेक्टर तक, ये बैटरी कनेक्टर तक जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, डेड है। जैसे हम चार्जर लगाकर इसका वीपीएस यहाँ से नापते हैं, तो वीपीएस पावर आईसी के पास बनता है, बट इसका बक जितने मॉडेम, जितने सीपीयू और इमेंसी वोल्टेज हैं, वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो चार्जर लगाकर और बैटरी लगाने के बाद यहाँ से बैटरी चार्ज होती है और वीपीएस बनता भी। आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें चार्जर लगा दिया, और बैटरी लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 1.9 एम्पियर, ये वोल्ट एम्पियर जो कंज्यूम कर रहा है, यानी बैटरी चार्ज करी है। हमारा जो वीपीएस है वो ओके है, और हमारी चार्जिंग आईसी भी ओके है। अब इस कंडीशन में हम पावर आईसी चेंज करते हैं। पावर आईसी चेंज करने के बाद आगे जो सीन होगा वो मैं आपको बता दूँ। तो गाइस, जैसे हम पावर आईसी लगाते हैं, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे जितने वोल्टेज है, VIR वोल्ट, PNV वोल्ट के लिए जाता है, MMC के जो DVD RAM है, SRAM, S1, S2, S4, जो भी बक कोर है, यहाँ बक वोल्टेज है, ये पावर आईसी से होते हुए हमारे CPU MMC तक जाते हैं। और यहाँ पे आपका PS होल्ड भी बनना चाहिए, क्योंकि इसमें मीडियाटेक का CPU है, तो मीडियाटेक में